भगवान का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। अब कल मकर संक्रांति धूमधाम से मनाएंगे। दादी मटर संक्रांति कल है। मटर संक्रांति नहीं बेटा, मकर संक्रांति। और इस बार जानकी की पहली मकर संक्रांति है ना, तो इतना अच्छे से मनाएंगे कि पिछली सारी बातें भूल जाएगी। रूही तुझे पसंद है ना मकर संक्रांति? जी दादी मुझे बहुत पसंद है, और अब तो ना मुझे पतंग भी उड़ानी आ गई है। भाई क्या हुआ? क्यों कुछ होगा तभी चुप बैठूंगा, I'm a good boy. सॉरी सॉरी भैया, कुछ तो हुआ बताओ ना। मैं कैसे बताऊं जब कुछ नहीं हुआ तो। अच्छा अब मैं समझ गया, हर्ष भाई ये सोच रहे हैं कि कैसे रूही और शिखर की टीम हर्ष और जानकी की टीम को कल पतंगबाजी के मुकाबले में हरा देगी। आइबो तू आइबो नहीं कर सकता, मेरे को आइबो करने थी। ऐसे ऐसे आइबो ऐसे करते हैं। गुड़िया हमारी पतंग है ना सबसे ऊंची उड़ेगी, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारा मांझा है। पर इतनी ऊंची पतंग उड़ाने के लिए और जीतने के लिए तो फिर तो खाना खाना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी आएगी। हर्ष भाई आप एक काम करो, आप ना जानकी भाभी को ना अपने हाथ से खाना खिला दो। खिला दूंगा। अरे वेरी स्वीट मेरा भाई। थैंक यू शिखर, आज तुमने पूरे परिवार के सामने माइल स्टैंड लिया, बहुत बड़ी बात है। आज तो हमें लिटरली नितिन की याद आ गई। याद है तुम्हें, तुमने उस दिन कहा था कि तुम बिल्कुल नितिन के जैसे हो, हमारे छोटे भाई हो। तुमने आज साबित कर दिया। थैंक यू। बस भाभी बस भाभी बस, रुलाओगे क्या? नहीं ओवर एक्टिंग करता है तू। ये रखो तुम, हमें सिर्फ इतना बताओ कि हर्षजी की शादी में जिस लड़की ने तमाशा किया था वो कहाँ है? साहब उन्हें तो रामसर के खास आदमी लेकर गए, और मुझे सबसे दूर रखा था उन्होंने, इसलिए कुछ ज्यादा पता चला नहीं। ठीक है कुछ भी करो, हमें उस लड़की की ना इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या साहब इस काम में बहुत रिस्क है, जान भी जा सकती है, और इतने पैसों के लिए मैं अपनी जान नहीं दे सकता। ठीक है पैसे और मिल जाएंगे, लेकिन हमें उस लड़की की ना पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है साहब पता करके बताता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए कि श्वेता कहाँ है ये तुम पता लगा कर ही रहेंगे। लेकिन कल जीतेंगे तो हम ही। कैसे जीतेगी तू? अरे क्योंकि मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ ना, तो जीतेंगे कल हम ही। हे माता रानी सबको ऐसे ही खुश रखना, किसी की नजर ना लगने देना मेरे बच्चों को। राजेश वो एक्चुअली मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्यों क्यों नहीं बस ऐसे, यू आर फाइन ना? नथिंग इज फाइन वंदना, तुम इरिटेट मत करो, जाओ यहां से प्लीज। मैं तो बस ऐसी, आई सेड गो। ओके लगता है उस रिपोर्टर ने अपना मुंह नहीं खोला, अन्ना राजेश तो मुझे मार ही डालता। थैंक गॉड बच गई। हर्षी जब हम नीचे गए थे तो आप पेंटिंग बना रहे थे ना, तो क्या हुआ बन गई पेंटिंग? क्यों नहीं बनी है या दिखाने चाहते? मैंने पहन दी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, तो अभी क्या करें, कल के लिए पतंग बनाएं? कैसे बनाएंगे, तुम्हारे पास तो पतंग नहीं है। पतंग का सामान तो ला सकते हैं ना? ओह यस हाँ। एक्साइटिंग ना? हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है हम लेकर आते हैं। ये कल हम पतंग बनाएंगे। हाँ हर्षी ने अपनी पेंटिंग क्यों फेंक दी, ऐसा क्या बनाया होगा उन्होंने उसमें? हर्ष ने ट्रक एक्सीडेंट ड्रॉ किया। जब से जानकी इस हर्ष की जिंदगी में आई है इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है, मुझे मारने की कोशिश की। We'll be right back.
मीरा जी? कुछ नहीं भैया, वो बस ऐसे ही। हर्षी कह रहे थे उन्होंने पेंटिंग यहीं फेंकी थी, पर यहाँ तो कोई भी पेंटिंग नहीं है, फिर कहाँ गई पेंटिंग? गुड़िया क्यों नहीं आई अभी तक? मुझे तो बोल के गई थी कि मैं सामान लेके आ रही हूँ काइट्स बनाने का, सब झूठ बोलते हैं मुझे। ओ वाओ 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 गुड़िया वाओ वाओ लाओ बोलो। Cause you're a bad boy. I'm a bad boy? Yes you are. No गुड़िया, I'm not a bad boy. नहीं? No. आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या बोला मैंने तुमसे? आपने बोला पेंटिंग आपने बाहर फेंक दी, पर आपने पेंटिंग फाड़ कर फेंक दी। नहीं, मैंने फाड़ के नहीं फेंकी, मैंने तो बस ऐसे ऐसे किया और बाहर फेंक दी बस। आपकी पिट्टू पिट्टू करेंगे। आपने मुझसे झूठ बोला ना, और जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनकी पिट्टू पिट्टू करनी पड़ती है। करे मैसे मत बोलो मुझे, तुम मुझे मारोगे क्या? हाँ, छोटे बच्चों को मारते तो वो ठीक हो जाते हैं। गुड़िया मैं छोटा बच्चा हूँ, अगर छोटे बच्चों को मारोगे तो फिर मैं गिर जाऊंगा ना, फिर लग जाएगी मुझे। ऐसे मत बोलो मुझे प्लीज। गंदी मम्मा बस क्यों रहे हो? इसने मुझे कह रही है कि मुझे मारेगी और मुझे काइट्स नहीं दे रही। मम्मा कैसे कैसे मारेगी? मम्मा देखो है ना, हमारे होते हुए जानकी की क्या मजाल कि वो तुम्हें हाथ लगाए। मम्मा देखो दे नहीं। हर्ष ऐसे नहीं करते। अब तुम जानकी को छोड़ो और जाओ पार्थ और पीयू के साथ। नहीं, उसके साथ नहीं खेलना, वो बकवास है। क्यों? चलो नहीं छोड़ो उसे अकेले। चलो तुम गुड़िया तुम ये क्या करोगी अकेले बना के? उड़ेगी नहीं पतंग तुम्हारी। दादी ये संक्रांति का प्रसाद और बाकी का अब किचन में बन रहा है। ठीक है बेटा, ये ले जाके थोड़े से फल काट दे। भाभी मैं कैसा लग रहा हूँ? ये गुड़िया ने मुझे शर्ट गिफ्ट की है, अभी मैंने चेंज किया, कैसे लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। पार्थ और पीयू कहाँ है? मुझे उनके साथ खेलना है। हर्ष आज तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते, वो अपने रूम में है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मैथ्स का एग्जाम है। तो क्या हो गया, पढ़ाई छुड़ा दो, मेरे से खेलना जरूरी है ना? खेलना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। हर्ष जी दादू जानकी बेटा देखो, बड़ी अच्छी पतंग बनाई है तूने। भाभी कल तो हम ही जीतेंगे, देख लेना। वो तो देखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है कल हम और हर्षी जीतेंगे, है ना हर्षी? कल हम दोनों जीतेंगे ना। तुम एक काम करो, इसको पकड़ो। क्यों, हमने आपके लिए बनाया है। सही एकदम। ओके ये तुम ही उड़ा लो, मैं नहीं उड़ाऊंगा। तुम मारती हो बहुत ज्यादा, मारोगी आगे भी। भाभी सुनो ना, उनको बोलो ना कि वो मेरे साथ खेलने पार्थ और पीयू को बुलाओ ना प्लीज। हर्ष देखो जिद मत करो। आ गए तुम लोग, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? जाओ जाके अंदर का पढ़ाई करो ना। मम्मा प्लीज हमें मैथ में हेल्प करो। छोड़ो ना, खेलते हैं। पीयू देखो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पापा आएंगे तो तुम सारे सवाल उनसे पूछना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पापा आएंगे लाओ प्रॉब्लम लाओ मुझे ना। मैथ्स का जीनियस यहाँ बैठा है और तुम बोल रहे हो पापा आएंगे? ऐसे कौन से तीन डिफरेंट नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करो या ऐड करो तो सेम डिजिट आएगी? क्या हुआ? मिल गया आंसर? अरे ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं? मैं इंटरनेट पे चेक करके बताती हूँ। अगर कर क्या हुआ? आपके बच्चों को मैथ्स का प्रॉब्लम आया है, जरा सॉल्व कर दीजिए। भागो भागो उनसे पूछो। मैं बताता हूँ मैथ्स। अरे यार इतना इजी है, कहाँ इस डफर के पास बैठे। इधर आओ। ये तीन डिफरेंट नंबर्स जिनको आप ऐड या मल्टीप्लाई करो तो सेम डिजिट आती है। सॉल्व। अच्छा किसी को नहीं पता, मैं भूल गया ना, बच्चों का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है। 1, 2 and 3 अब इसको ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, उनका आंसर है सेम 6। वाओ आपको कैसे पता? कैसे करा? वेरी गुड। क्या बात है, मैं क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हूँ ना इसलिए मैं इंटेलिजेंट हूँ। तुमने कहा था ना गुड़िया ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे तो इंटेलिजेंट हो जाओगे, मैं कहता हूँ। गुड़िया हाँ सुनो ना। क्या हुआ? मुझे कोई खेल नहीं रहा, तुम चलो ना हम साथ में खेलेंगे, काइट फ्लाइंग करेंगे ना। चलो आप अभी जाइए, हम आते थोड़ी देर में। नहीं हमेशा कहती हो लेकिन आती तो हो नहीं, हमेशा ऐसे कहती हो। अभी आएंगे, आप जाइए। पार्थ पीयू मैथ्स में पास होना है तो मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ, कम फॉलो मी।
शिखर, हर्षी के लिए कभी प्राइवेट ट्यूटर रखने के बारे में सोचा क्या तुम लोगों ने? एंड हाँ, उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मैथ्स। इसीलिए? ये तो कुछ भी नहीं है भाभी, टॉपर है मैथ्स के। रियली? जीनियस है वो। हमें पता ही नहीं। बच्चों के दो सवाल सॉल्व करने से वो जीनियस बन गया है। वाह, पढ़ने लायक बन गया वो। ये ट्यूशन और ट्यूटर का आइडिया एकदम बकवास है, स्टूपिड है। 1 2 3 भैया। टफर। हमने डिसाइड कर लिया है, हम हर्षी को मैथ्स पढ़ाएंगे। क्या पता उनकी ब्रेन की कंडीशन इंप्रूव होने से उनकी मेंटल कंडीशन इंप्रूव हो जाए, यू नेवर नो। बिल्कुल। क्या बात है भाभी, बड़ा ब्रिलियंट आइडिया। जीनियस तो आप भी कम नहीं है, सपोर्ट है मेरा, साथ हूं मैं आपके। हम ऐसे क्वेश्चंस रोज भैया से पूछेंगे, क्या पता इसी से कोई मिरेकल हो जाए और उनको सब याद आ जाए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हारी वजह से हर्ष की हालत में इतना सुधार आया और हमें विश्वास है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। दादी आप प्लीज मत रोइए, खुश रहें। अच्छा हम ना इस सब के बारे में हर्ष के पापा जी को बता कर आते हैं, वो भी खुश होंगे। ये फेवरेट कलर है हमारा। एक बात कही? बोलिए। जानकी ना हर्ष का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। अच्छा, और उस कारण ना हर्ष के बर्ताव में बहुत बदलाव आ रहा है, वो चीजों को समझने लगा है, बातें मानने लगा है। और आज तो कमाल ही हो गया, आज उसने पिहू का मैथ्स का सवाल यू सॉल्व कर दिया जो शिखर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। क्या कह रही हैं आप? और जानते हैं ये सब जानकी के कारण हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जानकी एक दिन हर्ष को 5 साल पहले वाला हर्ष बना देगी, वो हर्ष जो एक्सीडेंट से पहले था। भाभी आपको पता है एक्सीडेंट से पहले ना हर्ष भैया का फेवरेट कलर होता था रेड कलर, रेड शर्ट्स, रेड कार, अरे वो ना सॉक्स भी रेड पहनते थे। पर एक्सीडेंट के बाद ना वो इस रेड कलर से इतना डर गए कि हमने उनकी लाइफ से ही रेड कलर गायब कर दिया। बट कोई बात नहीं, अब आप आ गए हो ना, आई एम 100% श्योर कि अब ये रेड कलर उनकी लाइफ में वापस आएगा और ढेर सारी खुशियां भी वापस आएंगी। मैं गुड़िया को दिखा के आता हूँ। गुड़िया देखो ये कितना सही है एकदम, जब हम इसको उड़ाएंगे ना तो फिर ये ऐसे ऐसे करेगा एकदम ऐसे ऐसे, सही है ना? बहुत अच्छा है। आप लोग क्या कर रहे हो? हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप भी हेल्प करो ना। तो पूछो फिर। अच्छा हर्षी बताइए, 1 2 4 ओके, इसके बाद क्या आना चाहिए? लेट मी कैप्चर दिस मोमेंट। गुड़िया तो बहुत सिंपल है। हां क्या है आंसर? आंसर मी 8। कैसे? 1 का डबल क्या होता है? 2 और 2 का 4 4 4 का 8। देखा दादी, हम यही तो बात कर रहे थे कि अगर इनसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाए, इनकी ब्रेन की एक्सरसाइज कराई जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। गुड़िया तुमको अच्छा लगा? ऑफ कोर्स। चलो फिर पतंग उड़ाते हैं ना, बस हो गया, मैं थक गया। अच्छा पतंग हम बाद में उड़ाएंगे, सबसे पहले ना आप भगवान जी को एक लेटर लिखोगे, वो भी पतंग पे। भगवान जी को लेटर कैसे लिखेंगे हम? ये आपकी फेवरेट पतंग है? हाँ ये है। इस पर आप लेटर लिखोगे। ये लिखिए, डियर गॉड। लेकिन मगर मुझे उनकी वाइफ को लिखना हो तो? आपको पता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? जब हम छोटे थे ना तब हमारे पापा इसी तरीके से पतंग पर भगवान जी को लेटर लिखने के लिए बोलते थे और कहते थे कि जिसकी पतंग सबसे ऊंची जाती है ना आसमान में उसकी विश पूरी करते हैं भगवान जी। हम अपनी पतंग नितिन और निशा को दे देते थे जो कि उनकी विश की लिस्ट बहुत लंबी होती थी और हमने कभी कुछ मांगा ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी विश तो हमारे पास ऑलरेडी थी, हमारी फैमिली। अब पर चलिए, आपको आपको तो विश मांगनी है ना, तो चलिए भगवान जी को लेटर लिखिए। ठीक है ओके।
एक मिनट भैया, आप भगवान जी को क्या लिखोगे? मैं बोलूंगा कि डियर गॉड, आपने मुझे मेरी जान की गुड़िया दी, मुझे बहुत खुशी हुई, आई लव यू एंड आई थैंक यू फॉर दिस। और फिर जैसे मेरी गुड़िया को कुछ नहीं चाहिए भगवान जी से, मुझे भी तो क्या चाहिए, क्योंकि मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो मेनी पीपल, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान जी से कहूँगा कि मुझे एक चीज चाहिए, मेरी गुड़िया बहुत ज्यादा रोती है, अपनी फैमिली को मिस भी करती है ना, करती हो ना, फिर वो आएंगे और अपनी फैमिली को लेके तुमको मिलवा देंगे। और फिर मैं ये बहुत जरूर बोलूंगा कि मेरी जान की गुड़िया को लेके मत जाओ साथ में, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है ना, तो मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। मैं लिखता हूँ फटाफट से, चलो गुड़िया, चलो गुड्डू, ये गुड़िया, ये हाँ। ये वाला मैं इससे बांधता हूँ और तुम काम करो, तुम इससे करो, ठीक है? अरे फट जाएगा आराम से। नहीं, लेकिन इससे करो, मैं इससे बांधूंगा ना। हाँ ठीक है। ये देखो गुड़िया, तुमको कन्ने बांधने आते हैं, मुझे आते हैं बांधने के लिए। अरे वाह, आप तो इंटेलिजेंट हो। आई एम वेरी इंटेलिजेंट बॉय, आई एम अर्थशास्त्री। देखो अभी बांध दिया ना, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम कन्नी देंगे ऐसे, वो अब हमारी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी गुड़िया, सबसे ऊंची जाएगी। कैसे हो गया ये एकदम, मैं तुमको हेल्प कर दूं, रुक जाओ तुम, मैं तुमको हेल्प कर देता हूँ, आओ आओ आओ। क्या हुआ, क्या हुआ गुड़िया? इससे पहले कि हर्षी को खून का रंग दिख जाए, हमें अपना घाव छुपाना होगा। सॉरी, मुझे दिखाओ ना, मैं ठीक कर दूंगा। मैंने जान के नहीं किया, मैंने तो ऐसे निकाला था बाहर, तो लग गया गलती से। सॉरी गुड़िया, मैंने जान के नहीं किया, सॉरी गुड़िया, गुड़िया सॉरी। समझ नहीं आता हर्षी का, कभी एकदम से इनसेंट से बच्चे बन जाते हैं, तो कभी एकदम से सनकी इंसान, कभी लगता है वो ठीक हो रहे हैं, तो कभी लगता है वो ठीक ही नहीं हो सकते। थैंक यू। इट्स नॉट फेयर ना जानकी, कभी कभी तुम्हारी हालत देखकर ना मुझे तरस आता है। तुम इतनी मैच्योर, इतनी समझदार, और तुम्हारे पति का दिमाग एकदम बच्चे की तरह। लड्डू देकर उसे समझाना पड़ता है, बच्चे को जैसे समझाते हैं ना वैसे। बहुत ह्यूमिलेटिंग फील होता होगा ना, कोई मेल ही नहीं है। नहीं सॉरी, वैसे एक बात बोलूं जानकी, एक पागल के साथ न्यू जिंदगी गुजारना, उसकी हरकतों को ऐसे बर्दाश्त करना, किसी नरक से कम नहीं होता होगा ना। अब कोई गारंटी भी तो नहीं है कि ये सब कब खत्म होगा, हर्ष कब ठीक होगा, कब नहीं होगा, किसे पता। सच मानो,
मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। लो, तुम्हारे घाव को तो मैंने भर दिया, काश तुम्हारे बाकी के घाव को भी मैं भर पाती। ठीक है भाभी, एक मिनट, घाव तो आपके भी कम गहरे नहीं है। वैसे उस दिन कहाँ गए थे आप, जब पापा और राजेश भाई रिपोर्टर के पीछे गए थे? क्या बोलना चाहते हो जानकी? यही कि दिखता हमें सब कुछ है भाभी, बस हम कहते कुछ नहीं है, क्योंकि हम परिवार को तोड़ने नहीं, जोड़ने आए हैं। सबसे सस्ते वाला फोन दिखाइए ना, ये लीजिए, सस्ता भी है टिकाऊ भी है। इसे पैक कर दीजिए। जी। अच्छा, इसके बदले ना हम नया फोन एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, तो जो भी इसके पैसे बनते हैं वो हमें कैश दे दीजिए। ठीक है नितिन, अब एक बार अपनी आंखें बंद करना, ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट, नाउ ओपन योर आईज। कहाँ खो गए भाई, आपको फोन एक्सचेंज नहीं करना है क्या? ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। हमें माफ करना थी, आज आपके दिए फोन से ज्यादा जरूरी है आपकी जिंदगी जो उस नर्क में सड़ रही है। तुम्हारे पैसे तैयार हैं, जैसी उस लड़की के बारे में पता चले हमें बता देना। जी साहब, आप चिंता मत कीजिए, सब पता चल जाएगा। ओके, बस 24 घंटे और, उसके बाद उस श्वेता का सारा राज मेरे पास होगा, फिर ये शास्त्री फैमिली मेरी दी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बल्कि मैं इस शास्त्री फैमिली की नींद हराम कर दूंगा। भैया तुम्हारी चोट कैसी है गुड़िया? मुझे दिखाओ ना तुम्हारी चोट कैसी है। मैंने नहीं किया था गुड़िया, मैंने जान के नहीं किया था, आई प्रॉमिस, मैंने जान के नहीं किया था, प्लीज मेरी बात सुनो ना गुड़िया, सुन लो ना प्लीज, मैं तुमको 100 टाइम सॉरी बोलूंगा। 1 2 हर्षी, खाने पर से ऐसे नहीं उठते हैं, चाहिए खाना खाइए। लेकिन मैंने खाना शुरू ही नहीं किया। हाँ तो जाकर खाइए, नहीं शुरू किया है तो प्लीज। सॉरी तो बोल दिया ना मैंने, फिर हर्ष गुड़िया सही कह रही है बेटा, आ जाओ बैठो इधर, पहले खाना खाओ फिर सॉरी कहना। मैं खाना नहीं खाऊंगा अब। पापा एक प्रॉब्लम है। अब क्या राजेश? वो हमें बैंक से जो लोन लेना था, अगर हमने वो लोन लिया तो शेयर्स के प्राइस गिर जाएंगे, और वो सीए से बात की, उसके पास भी कुछ सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा अभी तक। तो लोन मत लो, एसेट रिडक्शन कर दो। ही इज एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड हर्ष, थैंक यू। Thank you very much. पापा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अरे नहीं सुनो, मेरी बात सुनो। अरे पापा, पापा कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। हम कह रहे थे ना आपसे, हर्ष धीरे धीरे ठीक हो रहा है। डैड ये सब कुछ जानकी भाभी की वजह से हो रहा है, वही है जो उन्हें मैथ प्रैक्टिस करा रही है, जिनकी वजह से उनकी मेंटल स्टेट भी बेटर हो रही है। थैंक यू भाभी। मैथ पढ़ाने से कुछ नहीं होता। होता है, रिजल्ट देखा ना तुमने? सुनो डॉक्टर रमेश, फाइल्स फेंकने से क्या होगा? तो क्या करूं, तुम्हें उठाकर फेंक दूं बाहर? मुझ पे गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा राजेश, अगर इतना ही दुख हो रहा है ना तो जरा बिजनेस में दिमाग लगा, पापा जी को इम्प्रेस करो ताकि सारी चीजें तुम्हारे फेवर में बोले, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा वो पागल भाई तुम्हें पागल बना के सब कुछ हड़प ले और तुम कुछ नहीं कर पाओ। ये वक्त अकड़ दिखाने का नहीं है, अपनी अकल लगाने का है। क्या लगता है तुम्हें, अकल नहीं है मेरे अंदर, सिर्फ अकड़ है। आज मैं तुम्हें अपनी अकल और अकड़ दोनों दिखाता हूं।
राजेश मम्मी जी आप ये बच्चों के लिए मकर संक्रांति के कपड़े लेकर आई थी। मम्मी जी वो आपने में बुलाया था ये तेरे और हर्ष के लिए कपड़े मकर संक्रांति के लिए। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू किस लिए बेटा, हर्ष को इस तरह देखकर हम सबको बहुत खुशी हुई है और ये सब खुशियां जो है ना सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। थैंक यू सो मच। देखना अब कल मकर संक्रांति के पर्व पर खूब मजा आएगा। मजा का तो पता नहीं मम्मी जी, मगर इस घर की कल की मकर संक्रांति बहुत स्पेशल रहेगी। जानकी का तो पता नहीं, मगर मुझे जानकी की पहली मकर संक्रांति का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि कल होगा सबसे बड़ा धमाका। गुड़िया सॉरी मेरा खेलो ना मैम, ये मेरा न्यू कॉप्टर है, देखो ना इसको खेलो ना मैं सर। गुड़िया ये देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देखो मैंने तुमको कैसे वहां से बुला लिया, मैंने तुमसे बात करनी थी ना इसलिए मैंने ऐसे किया। ये तुमको मालूम है ये जो है ना ये वाला बिस्किट जो है ना ये मेरा फेवरेट बिस्किट है। सुबह से खोलते हैं ना फिर आलसी करके खाते हैं हम, फिर बहुत मजा आता है। गुड़िया सॉरी। गुड़िया तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि ये मेरे भी फेवरेट बिस्किट है। ये वाला ना वही गुड़िया सुनो मैं बताता हूँ तुमको। अरे ये जो बिस्किट है ना गुड़िया बहुत टेस्टी बिस्किट है, इसमें इसमें डबल होता है, इसे निकालते फिर हाँ मैं ऐसे क्रीम खा लेता हूँ और फिर बाकी बिस्किट फेंक देता हूँ। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है ना, एकदम झील जैसी गहरी। बुढ़िया तुम कितनी सुंदर हो ना, कितनी प्यारी सी हो ना तुम गुड़िया। लाइन कहाँ से सीखी आपने? नहीं ये लाइन मेरी नहीं है गुड़िया सॉरी, वो तो वो शिखर मूवी देख रहा था ना, मैं उसके साथ बैठ के मूवी देख रहा था, उसमें एक लड़का था वो हस्बैंड था और वो अपनी वाइफ को बोल रहा था कि तुम्हारी आंखें झील जैसी हैं गहरी। मेरी लाइन नहीं है गुड़िया ये, मैं अच्छा बच्चा हूँ। रात बहुत हो गई है तो हम भी जाते हैं, आप चलिए सो जाइए आइए। चलिए सो जाइए। It's a bad habit. मतलब? दादी बोलती हैं कि जब हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं ना तो इंटरटेन उनको भी हमारे लिए अच्छा बोलना चाहिए। उनको तुमने तो बोला नहीं मेरे बारे में कुछ भी अच्छा, तो फिर तुम गुड़िया मूवीज नहीं देखती हो? ऐसा नहीं है, हम भी मूवी देखते हैं पर आपकी तरह बातों को याद नहीं रखते। क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ ना। अब तो आप धीरे धीरे
स्मार्ट हो रहा है। मैं स्मार्ट हो रहा हूँ ना गुड़िया? मैं पता है मैं तुम्हारी तरह और पापा की तरह स्मार्ट बनना चाहता हूँ। फिर पता है जब मैं ज्यादा स्मार्ट हो जाऊंगा ना, फिर मैं ऑफिस भी जाऊंगा पापा के साथ, और फिर तुम मुझे ऑफिस में मिलने आओगी। बिल्कुल, चलिए अब सो जाइए। कम ठीक है, ओके। कौन है? Can I disturb you? Sure, come in, Harsh. How? क्या बात है? इस चीज का डर था, वही हुआ डैड। क्या हुआ? We did it, Dad. What? We did it, Dad. We did it! Oh God, Dad! इतनी मेहनत के बाद फाइनली इतना प्रेस्टीजियस टेंडर हमारी कंपनी को मिला। डैड आई एम सुपर हैप्पी। ओह गॉड, यू आर ग्रेट, यू आर सिंपली ग्रेट हर्ष। अब देखना हमारी कंपनी के ऐसा इंटरनेट प्लान लॉन्च करेगी ना, पूरा इतिहास याद करेगा। इतिहास में हमारी कंपनी का नाम होगा डैड। ग्रेट न्यूज, ग्रेट न्यूज। ऑनेस्टली डैड, दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू। सच में डैड, विदाउट यू, नॉट यू डैड, मैं कह रहा हूँ मैं हीरो डैड। ट्रस्ट मी। और मैं पता क्या सोच रहा था, अब ना आप थोड़े बूढ़े हो गए। नो डैड, ऑन अ सीरियस नोट, मैं सोचता हूँ कि जब आप एक लंबी छुट्टी पे जाओ, रेस्ट करो, अपनी पूरी जिंदगी काम किया है डैड, इतना बड़ा एम्पायर बना है, और आप मॉम को लो और एक अच्छी सी वेकेशन पे जाओ। यूरोप, यूरोप इज द प्लेस। मैं आपका वेकेशन प्लान करूंगा डैड। गो टेक अ रेस्ट डैड। अरे सारी बिजनेस की जिम्मेदारी, सारी परेशानियां मेरे कंधों पे छोड़ देना। आई विल मेक यू फील प्राउड। बोलो राजेश। पापा वो कुछ डिस्कस करना था आपसे। हाँ बोलो। वो अपना दरभंगा वाला ऑफिस है ना, जहाँ से उस शाम को निकाला था हमने। हाँ। बहुत दिन हो गए उसकी पोस्ट खाली है, अब कोई तो चाहिए उसके रिप्लेसमेंट के लिए। बताइए ना क्या करूँ। अब कीजिए। थैंक यू राजेश। आई डोंट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एट ऑल। तुम हमेशा प्रॉब्लम्स लेके क्यों आते हो? कभी तो सॉल्यूशंस ले आया करो। दो महीने से वो पोस्ट खाली है तो तुम क्या कर रहे थे यार? किसी को अपॉइंट क्यों नहीं किया? या ये काम भी हम करें? तुम कब कुछ सीखोगे? ट्राई किया था पापा, कोई सूटेबल अभी तक मिला नहीं ऐसा जो। दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस। अगर हर्ष को ये काम देते तो ही वुड हैव हैंडल्ड इट सो वेल। मैं भी तो हैंडल कर ही रहा हूँ ना सब। बताओ ना क्या हैंडल कर रहे हो तुम? अच्छे खासे नॉर्मल इंसान हो, हट्टे कट्टे इंसान हो, मगर मेंटली हर्ष से वीक हो तुम यार। वो आज प्रूव हो गया है। आज वो शेयर्स वाला सोल्यूशन जो हर्ष ने दिया, वो तुम्हारे दिमाग में भी आ सकता था, मगर नहीं आया ना। सो व्हाट डज इट प्रूव? मेंटली यू आर वीकर देन हर्ष। अरे सुनिए ना, आप राजेश से ऐसे बात मत किया करिए। हाँ, कितनी हेल्प करता रहता है आपको, सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है। अब प्लीज उसको ऐसे डांटिए मत। हम जानते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करें यार। सच तो ये भी है ना, राजेश अपनी कमियों को सुधारना नहीं चाहता है। कुछ कह दो उसे तो गुस्सा होके चला जाता है वो। कुछ भी कह दो सविता यार, बिजनेस में हर्ष की बराबरी राजेश नहीं कर सकता है। याद है एक्सीडेंट से पहले हर्ष कितना समझदार था, कितना सुलझा हुआ था वो। सिंगल हैंडेडली ही वॉज हैंडलिंग द होल बिजनेस। इतनी सी भी चिंता नहीं रहती थी हमें। उसकी विजन, उसका बनाया हुआ प्लान आज हमें टॉप पर ले गया है। 5 साल पहले उसने जो प्लान बनाया था ना, उसी पर चलकर हमने 5 साल में अपना बिजनेस एम्पायर 5 गुना बढ़ा दिया है। और आज हर दिन हम हर्ष को मिस करते हैं। हमारा हर दिन कितना स्ट्रेसफुल रहता है। जिस एज में हमें रिटायर होना चाहिए, उस एज में हम जवानी से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारे पीछे हमारा बिजनेस संभालने वाला कोई नहीं है सविता। कोई नहीं है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके, जिस पर हम भरोसा कर सके, एक दिन की छुट्टी ले सके।
तो ये सारी जिम्मेदारियां राजेश को सौंप दीजिए ना, सिखाइए उसे, सीखेगा वो। 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, नहीं सीख रहा है वो। आई एम सॉरी सविता, लेकिन बिजनेस में राजेश हर्ष की जगह नहीं ले सकता। हम ये बिजनेस राजेश को नहीं दे सकते। एक एड्रेस है जहां मालिक की कार अक्सर जाती है। कैसा एड्रेस? साहब वो कोई पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री है। वैसे उस फैक्ट्री से मालिक लोग का कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी वहां क्यों जाते हैं थोड़ा अजीब लगता है। वो एड्रेस है तुम्हारे पास, वो दो हमें। हाँ, ये एड्रेस है। थैंक्स, ये लो तुम्हारा इनाम। तुम जानते नहीं हो कि तुमने हमारी कितनी बड़ी हेल्प की है। साहब एक बात कहें आपसे, मेरा नाम किसी से मत कहिएगा, वो लोग बहुत खतरनाक है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। चिंता मत करो, तुम्हारा नाम तक नहीं आने देंगे, और वो भले ही कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, उन्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। श्वेता कहाँ है उसे तो ढूंढ के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ पापा, हम एकदम ठीक है, हमारी चिंता मत कीजिए। नितिन भी आ रहे हमसे मिलने। ये बताइए माँ कैसी है? अरे माँ भी बिल्कुल ठीक है, तिल के लड्डू बना रही है अपने लिए और मेरे लिए। तेरे और निशा के बिना अच्छा नहीं लग रहा मकर संक्रांति पे इस बार। अरे पर तिल के लड्डू वो बना रही है आपके और खुद के लिए, तो नितिन कहाँ है? अरे बेटा वो तो पटना में ही है, हम खुद उसका इंतजार कर रहे हैं। जब भी उसे फोन करो कहता है कुछ जरूरी काम है, थोड़ा टाइम लगेगा। तुझे कुछ बताया क्या उसने बेटा? नहीं वो हमारी बात हुई थी ना, आप आवाज नहीं करोगे, हम फैमिली से बात कर रहे हैं, है ना? You are a good boy. And you promise me also. Pinky promise, do it again. Now you're a good boy. आप वहां जाकर बैठ जाओ। आवाज नहीं आ रही। जानकी, जानकी बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ पापा बोलिए। बस बेटा यही बता रहा था कि नितिन की बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं कब लौटेगा। अब तो कॉलेज की भी छुट्टी हो गई होगी मकर संक्रांति के लिए। आने दीजिए उसको इस बार, ऐसा डांट लगाएंगे ना कि सब मटर गस्ती भूल जाएगा। ऐसे लापरवाह रहेगा तो कैसे संभालेगा हम लोग को बुढ़ापे में। ये नितिन कहाँ गया होगा? हमने तो उसे घर जाने को कहा था, फिर वो कहीं वो फिर से हर्ष और हमारे ससुराल के बारे में कुछ। नहीं नहीं हमें पता लगाना होगा, हम पापा और माँ को परेशान नहीं होने देंगे उसके लिए। पापा माँ को बोलिए टेंशन नहीं लेने के लिए, वैसे भी नितिन हमारे पास ही आने वाला। हाँ तो हम उसे पूछ लेंगे ना कॉलेज में क्या चल रहा है, कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, सब हम पूछ लेंगे, आपको बता देंगे। हम उसे बोलेंगे हमें पल पल की खबर दे, तो हम आपको पल पल की खबर देंगे। ओके सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, अपना ख्याल रखिएगा और माँ का भी। हाँ बाय पापा। क्या हुआ, जाकर बैठी वहां पे क्या? अरे नहीं 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 हम कर लेंगे क्या? नहीं भैया वो मैं तुम्हारा इयररिंग लगा रहा हूँ ना। अरे हम लगा लेंगे, अब छोड़ दो अर्जी, हम कर लेंगे। मैं लगाऊंगा तो तुम और सुंदर लगोगी। सही में मुझे बहुत अच्छे से लगाना आता, ये देखो। Mm-hmm.
क्या होगा? बढ़िया सुनो सुनो दादू 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 देखो ना ये दादू ये है ना ये दादू ये ना मैंने क्या बहुत अच्छी लग रही है ना दादू बढ़िया अच्छी लग रही है ना नजर ना लगे तुम दोनों को किसी की भगवान जी अब सब ठीक कर देंगे कोई फिक्र नहीं आएगा तुम दोनों की जिंदगी में और जन्मों जन्मों तक कभी ना टूटे तुम्हारा ये प्रेम बंधन वाकई में बेटा तुम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो पता है दादी ने कितना समय लगाया है ये साड़ी चुनने में 10-10 साड़ियां मना करने के बाद चुनी है ये साड़ी बहुत सुंदर बहुत सुंदर लग रही हो मेरी गुड़िया है इतनी सुंदर कि कुछ भी पहनती है तो इस दुनिया से सबसे ज्यादा सुंदर लगती है ना गुड़िया तुम इस दुनिया में सबसे सुंदर हो अच्छा चलो अब तुम लोग जल्दी से नीचे आ जाओ पहले पूजा करेंगे उसके बाद हाँ पूजा करेंगे दादू उसके बाद जाके तुम लोग ऊपर छत पे पतंग उड़ाना दादी आप लोग जाइए हर्षी को लेकर हम आते हैं बुढ़िया साथ में चलेंगे ना चलो भगवान जी की पूजा करेंगे साथ में हाँ पर थोड़ी देर में आ जाएंगे हम चलो नितिन पिक द फोन ये भगवान ऐसा ना हो कि श्वेता की सच्चाई सामने लाने की आड़ में नितिन हमारे ससुराल का दुश्मन बन जाए कैसे बताएं उसे कि लोग कितने खतरनाक हैं हमें पता लगाकर उसे हर हाल में रोकना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए कितनी अजीब बात है ना कभी कभी हर्षी को देख के लगता ही नहीं है कि वो नॉर्मल नहीं है क्या देख रहे हो बढ़िया मारते तो लोग सब लोग वेट कर रहे हैं ना जल्दी से ले लो जानकी बेटा ये देख तेरे लिए गिफ्ट है हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन नई बहू को उसके पति की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि गुड़िया को गिफ्ट देना है मैं तो गुड़िया के लिए कुछ लेकर नहीं आया गुड़िया सॉरी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया मेरे पास पिगी बैंक में पैसे हैं लेके आया तो गिफ्ट है ये तो दादी आपके बिहाफ पे दे रही है बस ले तो अपने हाथों से दे दे हाँ मुझे पसंद नहीं है मेरा गिफ्ट तो बेस्ट होता है हर्ष ये स्पेशल है नहीं मेरा स्पेशल होता है जो कहीं नहीं मिलता उसको क्या क्या रेयर कलेक्शन स्पेशल रेयर कलेक्शन है ये अब चल पहना दे हर्ष अब बस जिद नहीं करते चलो पहनाओ हर्ष लाओ मैं मदद हाँ ये कर दो मुझे ये ले बेटा थैंक यू दादी थैंक यू मम्मी जी क्या बात है जानकी डायमंड का नेकलेस बहुत खुशनसीब हो वरना ये सब तो तुम्हारी औकात के भी बाहर है ना चल कोई बात नहीं पहन लो ये सोच के पहन लो कि एक पागल से शादी करने का तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा मिला है मुझे क्या देख रहे हो अपने डायमंड नेकलेस को देखो निशा के पापा आइए ना हाँ हाँ आ रहे नितिन का फोन होगा हाँ बात करी हेलो हेलो पापा आप दोनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई कृषु और तुझे मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक एक मिनट हाँ बेटा पहला है ना मकर संक्रांति खूब अच्छे से मनाना हाँ माँ बहुत अच्छे से मनाएंगे पर माँ कुछ बात है क्या आप दोनों में बहुत उदास लग रही हैं किसी और के फोन का इंतजार था क्या जानकी दी के फोन का नहीं बेटा ऐसा तो कोई बात नहीं है क्या है ना कि इस बार संक्रांति में हम और तुम्हारे पापा एकदम अकेले हैं इसलिए मन थोड़ा उदास हो गया है अकेले क्यों नितिन कहाँ पर है अरे बेटा वो तो पटना में ही है ना पता नहीं कब लौटेगा इसलिए हम दोनों ही अकेले मना रहे हैं मकर संक्रांति बहुत मिस कर रहे हैं तुम सबको पापा नितिन यहाँ पर है पर लेकिन वो तो हमारे सामने निकला था घर के लिए हाँ बेटा वो निकला तो था लेकिन फिर कॉलेज से कुछ काम आ गया तो उसे रुकना पड़ा लेकिन वो
जानकी से बात करते रहता है, आज मिलने जाने वाला है उसे। हाँ जानती हूँ निशा, हमको तो लगता है नितिन हम लोग को भूल गया है, एक को बार फोन भी नहीं करता। हम बात करते हैं दोनों से, और वैसे भी अगर नितिन जानकी दी के टच में है तो ठीक ही होगा, लेकिन हाँ आप दोनों ना किसी भी बात की टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना? ठीक है बेटा, ध्यान रखना। क्या वो निशा, सब सब ठीक तो है ना? पता नहीं, पर कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन दोनों भाई बहनों के बीच। नितिन के कॉलेज का सारा काम हमारे सामने कंप्लीट हुआ था, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं गया है। और अगर वो वापस नहीं भी गया, यहाँ है भी, तो वो सिर्फ जानकी दी के टच में क्यों है? भाभी, भले ही आपकी ना पहली मकर संक्रांति है इस घर में, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट एनी रहम फ्रॉम अस। हां भाभी, आज तो आपको और भाई को हरा के ही रहेंगे हम, कुछ भी हो जाए। ये हर्षी कहाँ रह गए? अभी तक तो आ जाना चाहिए था ऊपर। तू खींच 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 खींच। अरे राजेश भाई, आप भी तो आओ ना, पतंग उड़ाओ ना, वहाँ बैठे रहते हो हमेशा यार। हाँ राजेश जाओ, तुम भी थोड़ा एंजॉय करो जब देखो काम में लगे रहते हो। मैं एक कॉल करके आता हूँ, दो मिनट में बस। मम्मा मम्मा, ये देखो ना, ये मुझे पतंग उड़ाने नहीं दे रही है। मम्मा को नहीं आती पतंग उड़ानी। अरे सॉरी, ये बच्चों ने जो, आप आइए मैं नीचे साफ कर देता हूँ। ढीला 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 ढीला। जानकी भाभी, अब तो आपको सिर्फ आपका पार्टनर ही बचा सकता है, हमारे हर्ष भैया है। कहाँ वो? डर गया क्या? जानकी, हर्ष कहाँ रह गया? मम्मी जी, हम भी वही सोच रहे, वो अभी तक आए क्यों नहीं, हम जाकर देखते हैं। तुम चुप रहो वंदना, तुम्हें जो करना है वो करना ही पड़ेगा। पर कैसे करेंगे, अगर किसी को पता चल गया तो? राजेश भैया और वंदना भाभी किस बात पर बहस कर रहे हैं? किस बात का पता चल जाने का डर है उन्हें? समझने की कोशिश करो, अभी ये सब करना जरूरी नहीं है। वंदना, तुम समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। तुम मेरी राजेश भाई और वंदना भाभी किस बारे में बात कर रहे होंगे? आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में? नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए, और हमें उनकी बातों से क्या मतलब? I'm sure वो लड़की अंदर है, तभी इस बंद फैक्ट्री में इतनी सिक्योरिटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अंदर तो जाना ही है, जानकी दी की जिंदगी का सवाल है। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, मैं हर्ष हूँ, टेंशन मत लो। अरे क्या मजाक है, हाथ हटाइए, पर क्या कर रहे हैं आप? आओ मेरे साथ, तुम गिरोगे नहीं। आओ ना, हाथ तो हटाइए। अच्छा मेरे साथ आओ पहले। वेरी गुड, अब टर्न करो, बैठ जाओ। गुड़िया मैं तुम्हारे आंखों से हाथ हटा रहा हूँ। क्या हर्ष, आंखें खोलो गुड़िया। गुड़िया ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुमको पता है दादी ने कहा था ना कि आज के दिन ना एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है, और फिर मुझे बुरा लगा कि मैंने तुमको कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो इसलिए मैंने अपने हाथों से और पूरे दिल से ये तुम्हारे लिए बनाया है। गुड़िया मैं तुमको पहना दूँ प्लीज? इसके ऊपर क्या लिखा है, H और J। और H का मतलब क्या हुआ? मैं हर्ष शास्त्री, और फिर J का मतलब तो
तुम मेरी गुड़िया मतलब जानकी। गुड़िया तुमको ये अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास ना पिगी बैंक है, उसमें मेरे बहुत सारे पैसे हैं। मैं शिखर को बोलूंगा मेरे साथ चलेगा और मैं तुमको डायमंड का ब्रेसलेट ला के दूंगा। मैं ले जाता हूँ तुमको। नहीं 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 नहीं, क्योंकि उनको नहीं नहीं ये ना अच्छा नहीं है, बहुत सुंदर है, किसी भी ज्वेलरी से गोल्ड डायमंड सबसे ज्यादा कीमती है। कि आपने बनाया ना बहुत प्यार से हमारे लिए, तो हम इसको हमेशा पहन कर रखेंगे। गुड़िया थैंक यू। चलते हैं हम छत पे, हमने पतंग भी तो उड़ाएंगे ना, शिखर और रुई को हराना भी तो है, चलें ऊपर प्लीज। चल चलते हैं। ठीक है। मुझे तो तुम मालूम, मुझे पतंग उड़ाना इतना अच्छा लगता है ना, मुझे पतंग उड़ाना इतना बढ़िया लगता है ना। चलो जल्दी चलते हैं बुढ़िया, जल्दी चलो ना प्लीज। क्या बात है राजेश? कुछ नहीं, हम जानते हैं पापा की बात का बुरा लगा है ना। पापा की बातें कड़वी जरूर थी लेकिन उनकी चिंता गलत नहीं है। बेटा बात को समझो, वो रिटायर होना चाहते हैं और ये सारा कारोबार तुमको सौंपना चाहते हैं। ऐसे में उनकी बातों का बुरा मानने की बजाय उनके सामने अपने आप को साबित कर दो, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि उनकी बात, उनका ये बेटा उनका कारोबार अच्छे से संभाल लेगा। हाँ कैसी हो सविता? तुमने तो डरा ही दिया हमको रंगीली। डरते वो हैं जिनके राज छुपे होते हैं। बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों को देखे हुए, इसलिए मैं मिलने चली आई। सविता ये बता कि तुम्हारी नई बहू है या भाव व्यवहार का शगुन लेने आई हो ना? ये लो और प्लीज जाओ यहाँ से, यहाँ सब ठीक है और नई बहू यही है। ओए होए, ओए होए। क्या सविता तुम भी ना हमेशा मुझे गलत ही समझती हो। अरे मैं तो तुम सबको दुआएं देने आई थी। हाँ दुआएं दे दी, शगुन भी ले लिया, अब प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है सविता जाती हूँ। याद रखना मैं आऊंगी वापस, क्योंकि इस घर से मेरा नाता पुराना जो है। जो यहां दिखता है ना वैसा यहां नहीं है, बहुत राज्य पे है यहाँ।
तुझे किसी की नजर ना लगे, बहुत संभल के रहना यहाँ, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझी तू? संक्रांति दरभंगा में मनाई थी, पापा की लाई रंग बिरंगी पतंगों, हाँ के हाथ के तिल के लड्डू के साथ, और नितिन के साथ ऐसे ही पतंगों का कंपटीशन और निशा की वो छोटी छोटी सिद्ध, इन सबको आज यहाँ कितना मिस कर रहे हैं हम। गुड़िया, गुड़िया, ये तो मैच, गुड़िया। अरे निशा, तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? एक बार उन्हें बता देते ना दैट वी आर कमिंग। उसकी कोई जरूरत नहीं है कृषु, हम ना दीदी को सरप्राइज देना चाहते हैं, और वैसे भी वो हमारी दीदी का घर है, तो इतना मत सोचो और चलो। निशा, आज अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो कहती थी ना कि बिना बताए किसके घर पे जाना अच्छा नहीं होता, फिर आज? क्योंकि आज त्योहार है, और त्योहार में हर कोई एक दूसरे को बधाई देता है, तो हम भी वही करने जा रहे हैं। और वैसे भी कृषु, पापा ने कहा था कि आज नितिन आ रहा है वहाँ, तो हम भी उससे मिलेंगे और पता करेंगे कि आखिर हमें बिना बताए वो कर क्या रहा है पटना में। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि नितिन और दी जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, वरना हमें बिना बताए वो लोग साथ में संक्रांति नहीं मना रहे होते। सुनो, अभी पतंग उड़ाने के बाद बच्चों को बहुत भूख लगेगी, तो दही चूड़ा खिचड़ी सब तैयार रखना। हेलो, हाँ भैया, इस बार जो आपने चावल भेजे थे ना, बिल्कुल अच्छे नहीं है। चावल वाले से बात कर रहे थे, यही बता रहे थे कि इस बार जो चावल भेजा है बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है यहाँ कोई है? शायद मेरा वहम हो। अब चलो हमारे साथ, बहुत दिन हो गए पतंग उड़ाए हुए, इस काम के सिलसिले में पतंग उड़ाई नहीं है इन सालों से, चलो। तुम्हें क्यों जाना है? और वो तो वहां
छोड़ दे, मर जाएगी वो। Just stop it. मुझे हराया और मैं हंस रही थी पापा, वो इसलिए मैंने किया है वो। Stop it. पापा मुझे क्यों मार रहे हो? उसकी भी गलती है ना, उसने मेरे पर हंस रही थी और Just shut up. इसकी मेडिसिन दी आप लोगों ने? पापा जी हमने दिया था। ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? पापा ये सब चीजों के बीच में एक बारी भाभी से भी तो पूछ लीजिए कि वो कैसा फील कर रही है। चंकी ठीक है ना? तो हम अभी ठीक है। वो तो ठीक है पापा, ये कब ठीक होगा? इतना करते हैं इसके लिए फिर भी पागल का पागल ही रहे। मैं पागल नहीं हूँ, मम्मा पागल बोल रहे। देखो मेरी क्या गलती थी, गुड़िया की गलती थी ना, इसलिए किया। इट्स जस्ट अ गेम, उसमें कोई ऐसा करता है क्या? व्हाई डिड यू ओवररिएक्ट? मारने में चिढ़ाते नहीं है, हंसते नहीं है ऐसे। तुमने हंस के उनकी साइड ले ली। हम आप पे नहीं हंस रहे थे हर्ष जी, तुमने हंसा मैंने देखा। लाइक करने की कोशिश कर रहे थे दैट साइड, पर हमें नहीं पता आप ऐसी पनिशमेंट देंगे। ऐसी कोई पनिशमेंट देता है क्या गेम में? तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना, तुमने क्यों हंसी मुझ पे? हर्ष हर्ष जानकी, हर्ष तुमको कभी मार नहीं सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मम्मी जी पहले भी किया है, आज भी करने की कोशिश कर, अब सब गवाह है। संभालिया भाभी, हर्षी का कुछ भरोसा नहीं है, वो इतने अनप्रेडिक्टेबल और वायलेंट है कि कोई नहीं समझ सकता उनको। जब भी लगता है कि वो ठीक हो गए, तभी वो कुछ ऐसा करते जिससे लगता है कि उन्हें कोई ठीक कर ही नहीं सकता। हम उन्हें इम्प्रूव करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो ये सब करके हमें 10 कदम पीछे ले जाते हैं। हमें तो लगता है कि हम हार गए हैं, हम उन्हें कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, थक चुके हैं हम, अब और नहीं होगा हमसे, अब और नहीं होगा। हर्ष की ये हरकत हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, बहुत हो गया अभी। Nobody will pay any attention to him, हमारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। चलो सविता नीचे जाते, रुकिए हम बात करते हैं इससे, प्लीज। मम्मा, हाँ बेटा, मम्मा नहीं जाएंगी। अरे सविता, इसने जो किया है ना वो माफी के काबिल नहीं है, आज इसे सजा नहीं मिलेगी ना, दोबारा ये हरकत करेगा। नहीं मुझे सजा नहीं दो, शांत हो जाओ। मुझे सजा मत दो ना पापा, मेरी गलती नहीं है, उसने ऐसे किया था, प्लीज मुझे सजा नहीं दो। शांत हो जाओ, मना करो ना पापा को। तुम्हें यही रहना है ना, पतंग उड़ानी है ना? नहीं उड़ानी, नहीं उड़ानी, नहीं उड़ानी। फिर भी यहीं रहो, अकेले रहो, सुन लो मेरी बात, यहाँ हर्ष के साथ कोई नहीं रहेगा और उसे कोई खाना नहीं मिलेगा। नो लंच फॉर यू। चलो माँ, चलो चलो चलो, भाई पापा को कहे ये संभालेगा, ये पागल उनका बिजनेस। मुझे अकेले डर लगता है मम्मा, मम्मा। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। त्रिशा और कितना टाइम लगेगा? त्रिशा हम ट्राई कर रहे हैं। तुम लोग हर्ष को जीतने देते तो कुछ बिगड़ जाता तुम्हारा, मालूम है ना उसकी हालत तुम्हें? दादी हमने कुछ नहीं किया, आप हमें क्यों डांट रही हैं? वो तो जानकी भाभी है ना, उन्होंने ऐसे ढील छोड़ी और पतंग कट गई। लेकिन ऐसे खेल खेलना ही क्यों जिससे हर्ष की ऐसी हालत हो? इस तरह की शर्तें लगाना बंद करो हर्ष के साथ में। शिखर जी दादी, जा जाके देख के आ जानकी को, और उसे दवाई की जरूरत हो तो वो भी दे देना। पर भाभी है कहाँ पर? भाभी अकेली लॉन में बैठी हुई है। रूही तू जा उसके पास। पर मैं क्यों माँ? ताकि तुम दोनों के बीच अगर कुछ है तो उस बात को खत्म करो, जाओ। पापा दरवाजा खोल दो, अब नहीं करूंगा पापा। मम्मा प्लीज दरवाजा आ दो, दरवाजा खोलो ना, खोलो दरवाजा, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे छोड़ दिया अकेले यहाँ पे, काला भूत आ जाएगा यहाँ पे। इतनी जोर की मार रहा है मुझे यहाँ पे। सुनिए ना,
हर्ष को बाहर आने दीजिए ना, कब से भूखा है बेचारा। रहने दो उसे भूखा, आज उसे सबक नहीं सिखाएंगे ना, कल दोबारा का यही गलती करेगा वो। उसे सजा भुगतने दो, तभी सुधरेगा वो। कम ऑन एवरीवन, खाना खा लेते। शिखर चलो खाना खाने। ये कौन तू? मैं भगवान को कंप्लेन लगाऊंगा सबकी, क्या मुझे मारा है इन्होंने? आपने देखा मैंने कुछ किया था? मैंने, मेरी गलती नहीं थी ना, मैं तो पतंग उड़ा रहा था और मैं जीतना चाह रहा था, शिखर और रूही को हरा रहा था, इसलिए मैंने उसको ऐसे किया। मेरी मेरी गलती है, मैंने गुड़िया को मारा। भाभी भाभी आप अकेले क्यों बैठी हैं यहाँ? चलो अंदर। तुम चाहो रूही, हम थोड़ी देर में आते हैं। कम ऑन भाभी, आपको पता है ना हर्ष भैया कैसे हैं, वो बात बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं, पर आप क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? पापा ने आज पनिशमेंट दे दिया ना हर्ष भैया को, टेरेस पे लॉक्ड है, ना खाना ना पानी। वैसे भी फेस्टिवल तो खराब हो ही गया है हमारा, कम से कम मूड तो मत खराब करो ना भाभी। और वैसे भी भाभी ऐसा तो है नहीं कि ये सब आपके साथ पहली बार हो रहा है, पहले भी हुआ है ना, तो इस बार इतना गुस्सा क्यों? अच्छा अच्छा भाभी, आपको ना अपनी पूरी लाइफ अब हर्ष भैया के साथ ही बितानी है, तो बेटर होगा कि आप सीख लो कि हर्ष भैया को उनके मूड के हिसाब से कैसे कंट्रोल करना चाहिए। चलो अब ये नाटक बंद करो, चलो मेरे साथ। स्टॉप इट रूही, तुम्हें नाटक लग रहा है ये सब? तुम्हें लगता है ये सब त्योहार खराब करके हमें खुशी मिल रही है? हमने किया है? How could you be so insensitive, रूही? तुमने नहीं देखा हम कितना कुछ सहते हैं हर दिन घर पे? जता नहीं रहे, पूछ रहे। हमारी शादी एक झूठ से शुरू हुई है, एक ऐसे इंसान से हुई जो मेंटली अनस्टेबल है, उसके बावजूद हम पूरी शिद्दत से उसकी केयर कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कभी भी जाने अनजाने में वो हम पर हमला कर सकते हैं और हमारी जान जा सकती है, फिर भी अपना 100% हम हर्षी को दे रहे हैं। फिर भी तुम यही कह रही हो? नहीं, तुम कह भी सकती हो, तुम्हारे साथ थोड़ी ना ऐसा कुछ हुआ है। तुम पर ऐसे किसी ने अटैक किया है कभी? कभी देखा है कि अपनी मौत को देखा है सामने आंखों के? नहीं ना, जब तुम्हारे हर्ष भैया हमारे साथ ऐसा करते हैं ना, हम देखते हैं, एक बार बोलते हैं तुम हमारी गुड़िया हो, आंखें बंद कर लो, जैसे आंखें खोलते अटैक कर देते हैं। तुमने वो डर नहीं महसूस किया है रूही, तो तुम बोल सकती हो। और बताओ आज हमारी क्या गलती थी, हम पर उन्होंने क्यों अटैक किया? हमें डर लगता है इस घर में रूही, किससे बोले हम? हमारी भी सैनिक की कोई लिमिट है ना, सारी लिमिट क्रॉस हो गई है, अभी हम क्या करें, कैसे रहे इस घर में और एक ऐसे इंसान के साथ जो हमें कभी भी मार सकता है? तुम हमारी जगह रहती तो क्या करती, बोलो, कैसे ये सब झेलती, कैसे एडजस्ट करती, क्या बोलती अपने फादर को, बोल पाती? तुम्हें क्या लगता है हम घर जाकर अपने पापा से बोल सकते हैं कि उनके दामाद कैसे, हमारा पति कैसा है, बच्चा है दिमाग से? हम यहाँ रहे ना रूही तो हम मर जाएंगे, और हम अपने परिवार के पास गए तो वो हमारे माँ पापा, सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ सहने के बाद भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की, और कर रहे हैं। ये जानते हैं हम कि ये शादी कभी नॉर्मल नहीं होगी, पर फिर भी नहीं नहीं होगी रूही, झूठे दिलासे नहीं दे सकते एक दूसरे को ना, रियलिटी में जीना पड़ता है इंसान को, नहीं हो सकते, पर उसके बावजूद हम खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हैं ताकि सब भूल सके, ताकि छोड़ो रूही, तुम नहीं समझोगी, जिस पर गुजरते से वो समझ सकता है, तुम नहीं समझोगी, सो जस्ट लीव मी अलोन। अभी हमें अंदर जाना चाहिए, हर्षी को देखना चाहिए। मैं पतंग उड़ाऊंगा सबके साथ, सबके साथ पतंग उड़ाऊंगा, देखो मैंने अकेले पतंग उड़ा के दिखाऊं मैं सबको, अब देखो मेरी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी, कोई नहीं पकड़ेगा मुझे, मैं शिखर और रूही को भी पतंगों को हरा दूंगा और गुड़िया को भी हंसाऊंगा, फिर पतंग उड़ जा प्लीज। Ah! Ah!
सा खोलो प्लीज, मुझे बाहर आना है। ये गार्ड तो गेट से हट ही नहीं रहे, अब कैसे जाएं अंदर? आखिर कब तक वेट करें इनके हटने का? कुछ तो करना होगा श्वेता तक पहुंचने के लिए। वंदना कहीं दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली किसी काम से बाहर गई है दादी। संक्रांति के दिन ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? रूही तू अकेली ही आई, जानकी कहाँ है? रूही बात हुई तेरी उससे, वो ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो सारा गुस्सा तो वैसे भी मुझ पे निकाल दिया। हम कहे थे ना तुझसे उसको लेके आने को। माँ मैंने कोशिश की थी, अब अगर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें अंदर नहीं आना, अकेले बैठना है, तो इसमें मैं क्या करूँ? आज जो कुछ भी हुआ उससे बहुत डिस्टर्ब्ड है, इतनी डिस्टर्ब्ड कि उन्हें लगता है कि हर्ष भैया उनकी जान ले लेंगे। चलना है रूही, इतना ओवर रिएक्ट मत कर। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही शिखर, ओवर रिएक्ट वो कर रही है। मैं तो एग्जैक्टली वही बता रही हूँ जो भाभी ने मुझे कहा। जो कुछ भी उन्होंने मुझे कहा है ना, मुझे तो उससे यही लग रहा है कि शी कांट हैंडल हर्ष भैया। मुझे डर लग रहा है। कोई भी नहीं आया मुझे मनाने के लिए, ना मम्मा आई, ना पापा आए, ना शिखर, मेरी गुड़िया भी नहीं आई मुझे मनाने के लिए। गुड़िया को तो आना चाहिए था ना, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैंने फ्रेंडशिप बैंड भी दिया था, वो फिर भी नहीं आई मुझे मनाने के लिए। सब लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे होंगे और मैं भूखा हूँ यहाँ पे। रॉन्ग, एकदम रॉन्ग है ये। मैं बता रही हूँ, आज जो गुस्सा मेरे जानकी भाभी की आंखों में देखा है ना हर्ष भैया के लिए, मैंने तो पहले वो कभी नहीं देखा। आई थिंक वो हर्ष भैया से ना थक चुकी है, हार चुकी है, गिव अप कर दिया उन्होंने। ऐसा क्या कह दिया उसने जानकी ने? कि उन्होंने कहा कि वो इस घर में सेफ नहीं फील करती, उन्हें लगता है कि हर्ष भैया उनकी जान ले लेंगे एक दिन। डैड आई थिंक हमें ना जानकी भाभी को दूर रखना पड़ेगा हर्ष भैया से, हर्ष भैया की सेफ्टी के लिए। शट अप यार रूही, भाभी के बारे में क्या क्या बोले जा रही है तो फिर से? मैं बात करके आता हूँ। अच्छा जा, तू भी जा, वो तुझे भी सेम चीज बताएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, जा। हाँ चल ठीक है। तू रुक शिखर, हम बात करके आते हैं उससे। हम भी आते हैं तो आपके साथ। जानकी बेटा, जानकी, जानकी कहाँ है? कहाँ चली गई? हर्षी यहीं पर तो थे, कहाँ चले गए? मम्मी जी क्या आवाज, वो चीखती हुई। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हर्ष क्या हुआ? हर्ष क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? क्या कहना चाह रहा है तू? हर्ष हर्ष क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो हर्ष? हर्ष
हमने अभी अभी यहाँ पर मम्मी जी की चिल्लाने की आवाज सुनी, क्या हुआ है? नहीं दीदी, पता नहीं हमें। चलो चलो, हर्ष भाई को पहले अंदर लेके चलते हैं। जानकी दी, हमें यहाँ अचानक देख के ना एकदम चौंक जाएंगी, बहुत मजा आएगा। देखो निशा, एक बार ना दीदी को कॉल करके बता दो कि हम आ रहे हैं। यू नो ना, तुम्हारी दीदी के घर के साथ साथ ये मेरे बॉस का भी घर है। ठीक है ना, ऐसा करो तुम यही रुक जाओ, अपने बॉस से पूछ लेना मैं आई कम इन करके, हम तो जा रहे अपनी दीदी से मिलने। ठीक है? अरे मम्मी जी, हर्ष को क्या हुआ? मेरे बच्चे छत से गिर गया वंदना। क्या हुआ हर्ष जी को? अरे इन्हें तो बहुत चोट लगी, हमें इन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल लेके आना चाहिए। ये लीजिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आया हूं। लिट्टी चोखा, दरभंगा का स्पेशल लिट्टी चोखा, एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। दो प्लेट लगाओ भैया, एकदम अच्छे से लगाना। अब बैठिए, हम लगाते हैं। आओ भाई। लाओ भाई लाओ। यस। हम जरा पानी लेके आते हैं। हाँ भाई, जल्दी लेके आते हैं। इसको भी थोड़ा साइड कर दें। अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इस वक्त यहां से जाना ही सही होगा। संक्रांति विश करने आए थे, पर ये जीजू, जीजू को हुआ क्या है और वो छत से गिरे कैसे? डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर, हर्ष ठीक तो हो जाएगा ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, खून बहुत बह चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सांस अभी तक आ रही है। लेकिन ये गिरे कैसे? हमको भी नहीं पता डॉक्टर, हम सब बाहर थे, हमको गिरने के बाद पता चला। तो हर्षी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं ना? हाँ दी, आप बिल्कुल सही कह रही, जीजू को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं निशा, पापा जी को ज्यादा बेहतर पता है कि इनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा है ना पापा जी? राजेश, हॉस्पिटल में फोन करो और उन्हें बता दो कि हमें किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, सो कीप एवरीथिंग ऑन स्टैंड बाय। डॉक्टर, हर्ष को जल्द से जल्द उसके रूम में शिफ्ट कर दो। हाँ
निशा तुम लोग अभी जाओ बाहर वेट करो, हम बाद में मिलते। वो ठीक है दीप, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये डॉक्टर मशीन अपने घर पे क्यों मंगवानी। आई थिंक हमें इमीडिएटली जीजू को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। नहीं ले जा सकते हैं कृषु, हर्ष इतने बड़े बिजनेसमैन है, मीडिया भी तो रिएक्ट करेगी ना, हमें नहीं पता कैसे रिएक्ट करेगी मीडिया। लेकिन इस तरह घर पर ट्रीटमेंट, प्लीज प्लीज प्लीज, हर्ष के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आपसे अच्छा हम जानते हैं। सो नो सजेशंस नो आइडिया, आप लोग जा सकते हैं। हम आते हैं, प्लीज जाओ अभी। तुम भी उनके साथ जाओ, संभालो उन्हें। जी डॉक्टर, आपको बुला रहा हूं। शिखर 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 सुन, बोलो। मुझे तुझे कुछ बताना है। अभी नहीं, रुई बाद में। अरे हर्ष भैया के गिरने के बारे में ही है। क्या? तू चल मेरे साथ। दिया बताएंगे कि हमारी गलती क्या है कि आपके ससुराल वालों ने हमें इतना सुना दिया। तुम्हारी गलती ये है रिशा कि तुम बिना बोले बिना बताए हमारे ससुराल पहुंच गई। हमने कभी ऐसा किया है तुम्हारे ससुराल आगे बिना बोले? हम आपको संक्रांति की बधाई देने आई थी दी, और वैसे भी हमें क्या पता था कि हर जूचा के साथ ऐसा कुछ हो रखा है। हम आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह रहे थे, आप हमें सुना रही हैं। सुना नहीं रहे निशा, समझा रहे हैं। नहीं, कब समझेगी कि हमारा ससुराल है, कब दखलंदाजी करना बंद करेगी? अरे भाई ये लोग डिसाइड करेंगे ना कि क्या सही है क्या गलत है, कि तू डिसाइड करेगी। और रही बात हर्ष जी की, तो हर्ष जी उनके बेटे हैं, हर्ष जी के लिए क्या सही है क्या गलत है उनके माता पिता यानी हमारे सास ससुर डिसाइड करेंगे। तो उसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है उनको। हाँ तो हमें भी नहीं पड़ी आपके ससुराल वालों की, और ये जो तारीफें निकल रही है ना आपके मुंह से अपने ससुराल वालों के लिए, ये उनकी अच्छाइयां नहीं बोल रही है, ये उनकी दौलत बोल रही है आपके मुंह से। लेकिन बहन होने के नाते इतना तो बता दीजिए कि आप हर चीजों को हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं जा रही है? कोई राज है क्या इसके पीछे? राज नहीं, ठीक है, रईस लोग हैं। यू कांट इवन इमेजिन कितने अमीर लोग हैं ये, उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल उनके लिए यहाँ आ सकता है, वो चाहे ना घर के अंदर हॉस्पिटल बना दे। प्लीज निशा जस्ट स्टॉप इट नाउ, अब तुम दोनों प्लीज जाओ यहाँ से। हमें माफ कर दो निशा कि हमने तुम्हारी इस तरीके से बेइज्जती की, पर तुम सोच भी नहीं सकती कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये क्या बोल रही है तू? तू ही जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, हर्ष भाई को धक्का क्यों देगा कोई? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से हर्ष भैया छत से नीचे गिरे हैं ना, वो नेचुरल तो नहीं है। हर्ष भैया का दिमाग भले ही बच्चों वाला होगा, लेकिन छत से कूदने की बेवकूफी ना वो कभी भी नहीं कर सकते। उन्हें पक्का किसी ने गिराने की कोशिश की है, और हम सब तो नीचे आ गए थे, और आखिर में आया कौन? जानकी भाभी। तो मतलब तेरा लॉजिक ये है कि आखिर में जानकी भाभी आई छत से, इसलिए उन्होंने धक्का देके हर्ष भाई को गिरा दिया। वाह, तू ही, तू पहले भी बहुत गलत गलत इल्जाम लगा चुकी है भाभी पर, बट दिस टाइम नाउ यू क्रॉसिंग योर लिमिट, इसलिए नेक्स्ट टाइम भाभी पे इल्जाम लगाने से पहले ना 100 बार सोच लियो। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं बस फैक्ट बता रही हूँ। फैक्ट, जानकी भाभी ने खुद बोला था कि वो छत पर थी, और उसी टाइम हर्ष भैया भी गिरे थे। और याद है जब हम हर्ष भैया को उठाने गए थे तो वो ऐसे छत की तरफ इशारा करके हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इसीलिए मुझे उन पर डाउट है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ अभी, लेकिन पूरा पूरा शक ना उन्हीं पर जाता है। इनफ रूही इनफ, बिना किसी प्रूफ के तू किस प्रूफ की बात कर रहे थे तुम शिखर? प्रूफ कौन सा भाभी? रूही किस पे शक करने की बात कर रही थी तुम, और क्या कहा था तुमने हर्ष ने छत से गिरने के बाद किसकी तरफ इशारा किया था? वो भाभी। अरे भाभी वो कुछ नहीं, आपको पता ही है कि भाई के ऐसे गिर जाने के बाद, इस एक्सीडेंट के बाद हर्ष भाई को अकेला छोड़ना भी डेंजरस होता जा रहा है, सो जस्ट वही डिस्कस कर रहे थे। ये बात मैं कब से बोल रही थी, लेकिन इस घर में मेरी कोई सुने तब ना, कि हर्ष का पागलपन किसी ना किसी दिन या तो उसकी जान लेगा या हम सबकी जान लेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसको अकेला छोड़ना डेंजरस है, यू बी विद हिम ओके। और तुम दोनों को मम्मी जी बुला रही हैं, जल्दी आओ। ये ऐसे लोग हैं हमारी फैमिली में, इसलिए बोल रहा हूँ ये जो बकवास तूने मुझे की ना,
ये जाकर किसी फैमिली मेंबर के सामने मत बोलियो। ऑलरेडी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इस तरह की बातें करके फैमिली को और ज्यादा परेशान मत करियो। जी मैं गलत लग रही हूँ ना, तो हर्ष भैया को होश में आने दे, वो होश में आएंगे और सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हर्ष भैया खुद ही बता देंगे कि किसने उन्हें धक्का मारा। आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप गुड बॉय बनेंगे, फिर अपने आपको ऐसे ऐसे चोट क्यों पहुंचाई? क्यों किया ऐसा आपने हर्ष जी? स्पेशल नर्सेस, मशीन्स, दवाइयाँ, वो सबका अरेंजमेंट यहाँ घर में हो जाएगा, तो किसी भी कीमत पर हमारे बेटे को बचा लीजिए। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। अगर इनको रात तक होश नहीं आता है तो कल सुबह तक इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना ही पड़ेगा, वरना वरना क्या वरना इनकी जान भी जा सकती है। क्या क्या डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता है, उन्हें बचाना ही पड़ेगा। पापा जी, डॉक्टर आपको जो भी करना है यहाँ घर में कीजिए, हर्ष को हम हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। देखिए एज अ डॉक्टर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर लीजिए, आगे आपकी मर्जी। पापा जी कुछ भी करके हर्ष को हॉस्पिटल लेकर जाते। आराम, जानकी बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा ये हर्ष की जिंदगी का सवाल है, जिद मत कर, हाथ जोड़ते हम तेरे। हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे? अगर वहाँ ले गए तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हर्ष है, मामूली आदमी थोड़ी है। जानकी हॉस्पिटल ले जाने की बात मत करना वापस प्लीज। आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया, इनकी सच्चाई छुपाने के लिए इनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हम। आप नहीं चाहते ये ठीक हो? जानकी, हर्ष का जिंदा रहना हम सबके लिए जरूरी है। तो पापा प्लीज इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते। सुनिए, जानकी बिल्कुल ठीक है, इस वक्त हमें दुनिया की नहीं हर्ष की चिंता करनी चाहिए। हम आपके आगे हाथ छोड़ते, हमको हमारा हर्ष वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। और वैसे भी ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है, हम ही नहीं सब कहते रहे इस तरह से हर्ष को अकेले टेरेस पर बंद मत करिए, लेकिन आपने वैसे ही किया। सविता, हमने जो भी किया उसको सुधारने के लिए किया, हमने कभी सोचा नहीं था। अगर हमारे हर्ष को कुछ हुआ ना तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हमें पक्का पता है कि जानकी दी के ससुराल में कुछ तो गड़बड़ है, वो सच छुपा रहे थे हमसे। और नितिन, इनको नहीं दिखा, हम अभी कॉल करते हैं उसे, शायद उसे पता हो कि क्या झोल चल रहा है जानकी दी के ससुराल में। हेलो नितिन, कहाँ है तू? पापा ने हमें बताया था कि तू हर्ष जीजू के यहाँ आने वाला है, और जब हम वहाँ गए तो तू था ही नहीं वहाँ पर। क्या आप वहाँ पे गए थे? संक्रांति की बधाई देने गए थे। तू है कहाँ? हमसे मिल, हमें तुझसे कुछ बात करनी है हर्ष जीजू और उनकी फैमिली के बारे में। दी वो हमें ना कॉलेज का बहुत जरूरी काम है, हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। नितिन बाद में नहीं, अभी। हर्ष जीजू का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है उनके घर में, इसे तू हमसे अभी आके मिल, तब तक हम पापा को फोन करके बताते हैं। नहीं, 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 दी, दी, आप हमारे पास सुनिए, पापा को फोन मत मिलाइए, हम रास्ते में हम आके बात करते हैं। ठीक है। मैंने हमेशा पूरे मन से तेरी पूजा की, पिछले 5 सालों में हर रोज हर्ष के नाम की माला जपी है, आपके सामने उसके नाम का दिया जलाया है, फिर भी तूने उसे मौत के कगार पे लाके खड़ा कर दिया, क्यों? माफ कर दे उसे। दादी, आप पिछले 5 साल से दिया जला रही ना हर्ष के लिए, तो फिर आज क्यों नहीं? इनके घर देर है पर अंधेर नहीं, इसीलिए आप अपनी आस्था
विश्वास में कमी मत होने दीजिए। आप दिया जलाइए, हमारे लिए नहीं, आशी के लिए, और देखिएगा वो एकदम ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हम भी उनके लिए निर्जला उपवास रखेंगे जब तक उनको होश नहीं आता। जिसने तेरी जान लेने की कोशिश की तो उसी के लिए निर्जला व्रत रखेगी। उन्होंने जानबूझकर हमें मारने की कोशिश नहीं की दादी, उन्हें तो खुद नहीं पता वो कब क्या कर बैठते, इसलिए हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है दादी। जानती हूँ बेटा कि हर्ष के पास तू है, इसने हमें कोई चिंता नहीं और तू उसके लिए कुछ भी कर सकती। लेकिन हर्ष, दादी हर्ष की चिंता बिल्कुल मत करिए, हम है ना एन भरोसा रखिए, कल तक एकदम ठीक हो जाएंगे। दी आप कुछ कह रही थी एक्सीडेंट के बारे में। हर्ष जीजू टेरेस से गिर गए हैं और किसी को नहीं पता कि कैसे गिरे, और जब हमने जानकी दी से पूछा ना वो उल्टा हमें सुनाने लग गए, यहाँ तक कि हमें घर से भी निकाल दिया उन्होंने। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो राज है जिसका पता लगने का डर था जानकी दी को। और तू तू हमें बिना बताए जानकी दी के घर जाने वाला था ना, फिर चल क्या रहे तुम दोनों भाई बहनों के बीच। देख नितिन जो भी बात है ना हमें सच सच बता दे, वरना हम अभी पापा को फोन करके बता। दी, 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 हम आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप मम्मी पापा को कुछ नहीं कहेंगे। नहीं बताएंगे, जल्दी बता। दी सच तो ये है कि जीजू हमसे इसलिए नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि क्योंकि वो हमें डाउन मार्केट समझते हैं, है ना? हाँ, इसलिए उनकी फैमिली हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। जीजू को लगता है कि हम उनके लेवल के नहीं, हम बहुत छोटे लोग हैं। और जानकी दी उनका क्या, वो भी तो हमारी ही बहन है ना, हमारी तरह छोटे घर की। लेकिन अब वो उनके घर की बहू है ना, इसलिए उन्हें जानकी दी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो ये चाहते कि जानकी दी हम सबसे कोई रिश्ता ना रखे। लेकिन जानकी दी को तो सोचना चाहिए ना नितिन, वो हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। अब शायद उन्हें जीजू और उनका ससुराल ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा है, इसलिए ना हमसे बात करती है ना कॉल करती है। अब ये उनकी मजबूरी है क्या ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमें ना जानकी दी से बार बार नहीं मिलना चाहिए, यही उनके लिए और हमारे लिए सही रहेगा। आखिर ये शास्त्री खानदान खुद को समझता क्या है, पैसे वाले तो कुछ भी करेंगे क्या, हमसे हमारी बहन छीन लेंगे क्या वो? हाँ गिरे कैसे, क्या पनिशमेंट से गुस्सा होकर उन्होंने ऐसा किया, या फिर खेलते खेलते उनका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गए। कहीं गलती हमारी तो नहीं है, हमने उनका ध्यान नहीं रखा, उन्हें हमारी वजह से सजा मिली। कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हुआ कि हम वहां से गुस्सा होकर चले गए थे। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हमारी वजह से हुआ या देखा सविता, हमारा हर्ष कितना भाग्यशाली है कि जानकी जैसी पत्नी उसे मिली। जितना ख्याल उसका जानकी रखती है ना, उतना कोई नहीं रख पाता। अगर हर्ष को होश आ गया तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम?
किसी ज्योतिषी से जाके पूछ लो ना, मुझे क्या पता। हर्षी, लगता है हर्षी को होश आ रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। मम्मी जी, पापा जी, हर्षी को होश आ गया। जानकी, हर्ष, हर्ष बेटा, हर्ष। के लिए किसी सावित्री से कम नहीं, जो यमराज से अपने पति को खींच कर वापस ले आई थी। बहू ठीक कह रही है बेटा, ये सब तेरी प्रार्थना और सेवा के कारण हुआ है। कैसा लग रहा है अभी? हर्ष, क्यों, क्या हुआ बेटा? हमको लगता है हमें हर्ष को अकेले छोड़ देना चाहिए। हम सब चलते हैं। एक मिनट मम्मी, मुझे हर्ष भैया से कुछ पूछना है। रोही, ये टाइम नहीं है कोई भाई से सवाल जवाब करने का। अपने ये बेकार की बातें ना अपने तक रख। शिखर, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? मम्मी जी, हम भगवान जी का प्रसाद लेकर आते हैं। भैया, आप सबको बताओ, आप छत से कैसे गिरे थे? आप खुद गिरे थे या किसी ने आपको? रूही, ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे कौन धक्का देगा उसे? मुझे लगता है वो अपने आप ही खेलते खेलते गिर गया होगा। भैया प्लीज प्लीज, थोड़ा सा याद करके बताओ, आप खेलते खेलते खुद ही गिरे थे या किसी ने धक्का दिया था? मैं नहीं बताऊंगा। भैया भैया, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बताओ सबको, किसने गिराया था आपको? मुझे डर लग रहा है। हर्ष, इसका मतलब है कि तुम छत से गिरे नहीं थे, किसी ने तुम्हें धक्का दिया था। किसने धक्का दिया? हर्ष बताओ मुझे, किसने धक्का दिया तुझे? बोलो हर्ष। वंदना भाभी, क्या हो गया? हर्षी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने धक्का दिया था। झूठ मत बोलो। हर्षी, आप कैसी बातें करें, हम आपको क्यों धक्का देंगे? भाभी, आप सबको सच सच बताओ, जब हर्ष भैया छत से गिरे तो आप कहाँ थी? मतलब ये, जब हम हर्ष भैया को उठाने गए तब तो आप लॉन में नहीं थी, कहाँ थी आप जानकी भाभी? रूही, ये वक्त ये सारी बातें करने का नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि उस वक्त कहाँ थी और कहाँ नहीं? दादी, फर्क पड़ता है। हर्ष भैया को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है, उन्हें धक्का दिया छत से, और जब हर्ष भैया खुद कह रहे हैं कि उन्हें गुड़िया ने धक्का दिया है, आप तब भी हर्ष भैया का यकीन नहीं कर रहे हो? अरे पर हमने उनको नहीं गिराया है रूही। आप बताओ, जब हर्ष भैया छत से गिरे आप कहाँ थे? अरे हम लॉन में ही थे। जब तुम हमसे बात करने के लिए आई तो हमें रियलाइज हुआ कि हमने भी ओवर रिएक्ट कर दिया, इसलिए हम हर्षी को देखने चले गए थे। देखने चले गए कहाँ? छत पर। देखा, मैंने कहा था ना, ये जानकी भाभी थी जो छत पर थी। हाँ ठीक है, हम छत पर गए थे, पर दादी हमें हर्षी वहाँ नहीं मिले, और फिर हमने मम्मी जी की चीख की आवाज सुनी तो हम दौड़कर नीचे चले गए। हम गुड़िया नहीं किया है। मम्मा, हर्षी देखिए, हम समझ रहे हैं, आप
इस कंडीशन में नहीं। पापा जी प्लीज आप हमारे बात पर भरोसा कीजिए, हम इनके साथ ऐसा क्यों करेंगे, हमने नहीं किया। दादी प्लीज बोलिए ना, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दादी दादी प्लीज प्लीज आप बोलिए ना, हम ऐसे कैसे कर सकते। जानकी लीव। नहीं पापा जी। जानकी लीव। नहीं पापा जी, हमने ऐसा कुछ नहीं। भाभी भैया आपसे डर रहे हैं, आप प्लीज बाहर चले जाओ। जस्ट लीव जानकी। जाओ यहाँ से गुड़िया, तुम गंदी गुड़िया हो, मुझे धक्का दे दिया तुम, बस मुझे ऐसे करके धक्का दे दिया सर। जाओ यहाँ से गुड़िया, जाओ यहाँ से। कभी के लिए चली जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जानकी जस्ट लीव। धक्का दिया था मुझे, जाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए तुम। पापा ये तो मतलब जानकी ने हर्ष को मारने की कोशिश की है। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।